आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का। 2022 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस अभी से तैयारी में लग गई है, जिसमें आज कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई कोटद्वार पहुंचे, जिनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन ने कांग्रेस सेवा दल में ऊर्जा भरने का काम किया। इस दौरान कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों को सड़कों तथा गलियों के माध्यम से उठाएंगे, इसकी कांग्रेस सेवा दल तैयारी कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं को देखकर खुशी हुई कि वो महीने के अंतिम रविवार को ध्वज वंदन करते हैं और भाजपा का राष्ट्रभक्ति का खोखला नाच उजागर करते हैं। कहा कि भाजपा का राष्ट्रवाद देश की गद्दारी के साथ जुड़ा है और हमारा राष्ट्रवाद कुर्बानी के साथ जुड़ा है। भाजपा न तो राष्ट्रध्वज को मानती है और न ही देश के संविधान को मानती है। कहा कि भाजपा को हम बेनकाब करके रहेंगे। क्योंकि मैं सबको एक डेडलाइन दिया हुआ हूं और मैं आप जैसे हम पूरे भारत में जहां जहां भी चुनावी राज्य हैं वही और जहां चुनाव नहीं है वहां पर भी पूरे भारत की जनता के जो सवाल है उन पर कैसे हम लोग अपनी बात को रखने के लिए और जनता के मुद्दों को हम जैसे हमारे पार्लियामेंटेरियन है वो पार्लियामेंट में उठाए पर हम सड़कों पर गलियों में और हर जगह पे कैसे उठाए उसके लिए सेवा दल अपनी तैयारी कर रहा है। यहाँ पे कोटद्वार में कार्यकर्ताओं को मिलकर बड़ी खुशी हुई कि वो लोग हर महीने के अंतिम रविवार को ध्वजवंदन करके ये राष्ट्रभक्ति का जो भाजपा का खोखला जो नाच है उसको बेनकाब कर रहे हैं, क्योंकि उनका राष्ट्रवाद जो है वो देश की गद्दारी के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है और हमारा राष्ट्रवाद है कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है और दोनों में फ़र्क है। हम तो कहते हैं कि गद्दारों की टोली अगर आपको राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देना चाहती है तो उसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। और मैं गद्दारों की टोली भाजपा और आरएसएस को इसलिए बोलता हूँ कि आरएसएस की जो समझ है कि ना कभी वो अपने देश के झंडे को मानती है, ना राष्ट्र देश के संविधान को मानती है और ना ही वो हमारे राष्ट्रगान को मानती है। जो देश के झंडे को ना माने, देश के राष्ट्रगान को ना माने और देश के संविधान को ना माने, मेरे लिए वो सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। और ऐसी गद्दारी करने वाले लोग अगर इस देश के लिए कुर्बानी करने वाले लोगों को देशद्रोही कहें या अलग अलग तरीके से नवाजे तो कतई मंजूर नहीं है और उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो हर महीने के अंतिम रविवार को तिरंगा लहरा के एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश तिरंगों का है, कि देश में हर रंग को और हर फूल को खिलने का अधिकार है। इस देश में सिर्फ कोई एक रंग को या एक फूल के लिए बागान नहीं बना हुआ है। और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर ये लोग बार बार दंगा करवाते हैं, ये जाति धर्म और भाषा के नाम पर जिस प्रकार से बार बार दंगा करके अपनी सत्ता हासिल करना चाहते हैं उसको हम लोग बेनकाब करना चाहते हैं। मुद्दे जनता के होने चाहिए। ये जो पूरा जिस तरीके से भावनात्मक मुद्दों के जरिए लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, हम चाहते हैं कि मुद्दे हो तो शिक्षा के हो, रोजगारी के हो, किसान के मुद्दे हो, बेरोजगार जो है उनके लिए मुद्दे हो, जो दलितों पर, महिलाओं पर या पीड़ितों पर जो अत्याचार हो रहा है उनके पर कुछ सुरक्षा की व्यवस्था हो। इस देश के सीमाओं पर हमारे जवान जो है वो बिना वजह शहीद मतलब उनको बनना पड़ता है उनकी नाकामयाबी की वजह से, तो उसके बारे में चर्चा हो, ना कि सिर्फ भावनात्मक मुद्दों।